वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। कहिंदे एक बार एक परिवार जो कि आर्थिक पक्षों कमजोर सी, भाव कि घर विच गरीबी सी, उह बाबा आनंद सिंह जी दे कोल गए। उत्थे जा के बेनती कीती कि बाबा जी साडे घर विच बहुत गरीबी आ अते गरीबी दे नाल नाल बीमारी भी खड़ा नहीं छड़दी। कदी घर दा कोई जी बीमार पै जांदा है अते कदे कोई। बाबा जी सानू कोई ऐसा राह दसो, कोई ऐसी युक्ति दसो कि जिस नाल असी अपनी घर दी गरीबी अते बीमारी तो खड़ा छड़ा सकीए। ते कहिंदे महापुरखां ने बचन कीते कि भाई पुरखो अमृत वेले उठ के नितनेम करन तो बाद, भाव कि जो भी तुहाडा नितनेम है, चाहे तुसी पंज बाणियां दा नितनेम करदे हो, चाहे तुसी एक जपजी साहिब करदे हो, जां मूल मंत्र जी दा जाप, चाहे वाहिगुरु जी दा सिमरन करदे हो, कहन तो भाव कि जो भी तुहाडा नित दा नेम है, उस तो बाद सारे परिवार ने रल के सुखमनी साहिब जी दी बाणी अर्थां समेत पढ़नी है, तां दिनां विच ही तुहाडी गरीबी कट्टी जावेगी। जदों भी कोई भी अपनी समस्या लैके जांदे तां महापुरख जी बाणी दा आसरा लैण नूं कहिंदे सन। महापुरख जी मूल मंत्र दा जाप, जपजी साहिब जी दी बाणी जां सुखमनी साहिब जी दी बाणी पढ़न ते बहुत जोर दिंदे सन। महापुरख जी कहिंदे सन कि सुखमनी साहिब जी दी बाणी साडे तन मन ते धन दे रोगां नूं ठीक करदी है। सब तो पहला साढ़े मन की गरीबी नूं दूर करती है, साढ़े मन उत्ते जम्मे विषय वकारा नूं साफ करती है, साढ़े जाने अनजाने विच कीते हुए पापां तो सानूं मुक्त कर दिंदी है। श्री सुखमनी साहिब जी की मिठी बाणी अते सुखमनी साहिब जी की बाणी का ज्ञान साढ़े कामयाबी के सारे रस्ते साफ कर दिंदा है, साढ़ा दिमाग काम करना शुरू कर दिंदा है, सानू साड़ी सफलता दे राह दिसने शुरू हो जांदे आ, अते असी आलस नू छड्ड के एक उद्यमी पुरख बन जांदे आ। इसलिए साढ़े तन मन दी कमी दूर करन दे लई सारे दिन दे विचों सवा घंटा डेढ़ घंटे दा समा कोई बहुता ज्यादा नहीं है, जिथे आपां फोन ते इधर उधर दियां वादू दियां गल्लां करके अपना टाइम पास करदे आ। इह टाइम पास करन दी बजाए उही आपां समा जे गुरबाणी नूं दईए, गुरु नानक पातशाह जी नूं दईए, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, क्योंकि सुखमनी साहिब जी की बाणी साढ़े सारे दुख दूर करती है।